जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस ट्रेन की बात करेंगे वो है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से अगरतला तक जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस की। आज हम जानेंगे दोस्तों कि यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है और इसमें कौन कौन सी सुविधाएँ आपको मिल जाएगी। इन सब की पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ट्रेन नंबर 14020 आनंद विहार टर्मिनल से अगरतला तक जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2016 से और इस ट्रेन का नाम माता त्रिपुरा सुंदरी के शक्तिपीठ पर रखा गया है। यह ट्रेन 6 राज्यों से गुजरती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन अपनी टोटल जर्नी 2458 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 48 घंटे और 30 मिनट में। इस दौरान इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 50 किलोमीटर पर आवर की। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है, जो हर सोमवार को दिल्ली के आनंद विहार से रवाना होकर हर गुरुवार को अगरतला में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 18 होल्ट रहते हैं और यह एक मेल टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन में दोस्तों ICF श्रेणी के 19 कोच लगते हैं, जिसमें 2 कोच AC2 टायर के लगते हैं। AC2 टायर के कोच का आनंद विहार से अगरतला तक का किराया रहता है ₹3,240। 3 कोच AC3 टायर के लगते हैं, जिसका किराया रहता है ₹2,210। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। 7 कोच इसमें स्लीपर क्लास के लगते हैं, जिसका किराया रहता है ₹845। इसमें GST को छोड़कर बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के 5 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है ₹510। यह किराया दोस्तों आनंद विहार से अगरतला तक का बताया गया है, परंतु समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। कैटरिंग संबंधी सुविधाओं में इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को आनंद विहार से कटिहार जंक्शन तक कानपुर या दीनदयाल उपाध्याय लोको शेड का WAP-4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और कटिहार से अगरतला तक इसे सिलीगुड़ी लोको शेड का WDP-4 या फिर WDP-4D, इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को हम विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर सोमवार रात 11:55 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों आनंद विहार से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है उत्तर प्रदेश का कानपुर सेंट्रल। सुबह के 6:05 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 6:15 पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है प्रयागराज जंक्शन सुबह के 8:45 पर और 8:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सुबह के 11:43 पर और 11:58 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 775 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बिहार के पाटलिपुत्र जंक्शन में दोपहर के 2:45 पर और 2:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है बरौनी जंक्शन शाम के 5 बजे और 5:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कटिहार जंक्शन रात के 8:40 पर और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:05 पर यह ट्रेन कटिहार जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। कटिहार जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1270 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लग जाता है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में रात के 12:20 पर, और 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है असम के न्यू बंगाईगांव जंक्शन में सुबह के 5:15 पर, और 5:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है गुवाहाटी, सुबह के 9:05 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है, और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 9:20 पर यह ट्रेन गुवाहाटी से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1885 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जागी रोड सुबह के 10:20 पर, और 10:22 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है होजाई सुबह के 11:47 पर, और 11:49 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लामडिंग जंक्शन दोपहर के 12:45 पर, और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 1:10 पर यह ट्रेन लामडिंग जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2065 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है, और यहाँ पर इस ट्रेन के लोको वेरेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुँचती है न्यू हाफलंग दोपहर के 3:50 पर, और शाम के 4 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बदरपुर जंक्शन शाम के 6:05 पर, और 6:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है न्यू करीमगंज जंक्शन शाम के 6:48 पर, और 6:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पाथारकांदी शाम के 7:31 पर, और 7:33 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है त्रिपुरा के धर्मनगर में रात के 8:30 पर, और 8:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 2315 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है आमबासा रात के 10:08 पर, और 10:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है त्रिपुरा का अगरतला, रात के 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है, और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2458 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली के आनंद विहार से चलकर अगरतला तक जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।